नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। एक्सेस के जरिए पेपर लीक करवाने वाले मुख्य आरोपी राज तेवतिया और लैब में पार्टनर सचिन को गिरफ्तार किया है, जहां राज तेवतिया को 7 दिन और सचिन को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर रखा गया है। वह पूरी मामले को लेकर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पेपर लीक मामले के तार अब विदेशों से जुड़े हुए मिले हैं, जहां पेपर लीक मामले को लेकर एक बार फिर सोनीपत एसटीएफ पुलिस द्वारा बड़ा पर्दा उठाया गया है। पेपर सॉल्वर गैंग के 1 लाख के इनामी मुख्य हैकर व उसके साथी लैब संचालक को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। मुख्य हैकर पलवल के गाँव अतरचट्टा का रहने वाला राज सिंह उर्फ राज तेवतिया उर्फ काली व लैब संचालक भिवानी के गांव मंडाना का सचिन है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर राज सिंह को 7 व सचिन को 5 दिन के रिमांड पर लिया है। मुख्य हैकर राज सिंह अपने रूस में बैठे साथियों संग मिलकर लैब हैक कराता था। वह एक लैब हैक करने के 40 लाख रुपये वसूलता था। एसटीएफ सोनीपत प्रभारी इंस्पेक्टर सतीश देशवाल ने बताया कि पानीपत में दर्ज पेपर लीक मामले में राज सिंह उर्फ राज तेवतिया और सचिन को गिरफ्तार किया गया है। राज सिंह मुख्य हैकर है और उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम था। वगैरह ये कर देते थे या जो आईटी हेड होते थे, जो सोकी और रोबिन जो अपने इससे राज तेवतिया से नीचे की जो लाइन में है, वो इसकी तरह सर्वर को और लैब को हैक नहीं करते थे, क्योंकि ये काफी कई बार कॉस्टली भी पड़ता है, क्योंकि रशिया से करवा रहे हैं। यदि कैंडिडेट ज्यादा होते थे किसी लैब में, इनके किसी भी एग्जाम में, तो ये लैब हैक करवाते थे। यदि कैंडिडेट कम है, 2 ही 4 कैंडिडेट आ रहे हैं उस लैब में, तो उसको मैनुअली जो इनका आईटी हेड बैठा है वो उसको मैनुअली वहां अंदर से रिमोट एक्सेस। सर, बिजली विभाग में किस पद पर ये कार्यरत है? ये क्लर्क के पद पे है और पंचकुला इसकी ड्यूटी है। ये भी क्या सेटिंग से लगा था इस तरह लैब में टेस्ट करके? अभी इसकी पूछताछ की है, इसके आज पुलिस रिमांड लिया गया है 5 दिन का, तो जैसे भी अभी इसकी इंटरोगेशन चली रही है, जो भी इंटरोगेशन में बात आएगी वो आप लोगों को। सर, और कितने नाम अभी? सचिन पे कोई नाम था? नहीं, सचिन पे कोई नाम नहीं है सर। अभी और बाकी जो साथी है, क्या उनसे संपर्क की कोशिश की गई है? हाँ, जो रशिया में जो इसके साथी हैं, वो फ्रीक्वेंटली वो इंडिया आते रहे हैं और इसके साथ रुक जाते हैं। ये भी रशिया गया हुआ है उनके पास, तो उन सब चीजों का जो पासपोर्ट डिटेल है उनकी, उनके नाम है, जो होटल्स में ठहरे हैं, उन सब चीजों की एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं। सर, भारत सरकार के माध्यम से क्या रशिया में भी कोई सबूत जुटाने के लिए पहुंचेगी? हाँ, उसका आरसीएन जारी करवाया जाएगा और जो भी एम्बेसी के थ्रू रेड कॉर्नर इशू करवाया जाएगा, हमारा रिक्वेस्ट है, तो जैसे भी ये रिपोर्ट का या जो भी इंटरनेशनल सिस्टम में जो भी प्रोसीजर बनेगा उसको फॉलो चलता रहेगा। अभी तक आप लोगों ने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है? क्या किसी की जमानत भी हुई? इस केस में 25 आरोपियों को गिरफ्तार हम कर चुके हैं, लेकिन एक सिंगल आदमी की भी पिछले 5-5.5 महीने से कोई जमानत नहीं हुई है, क्योंकि इसमें हमने जो सबसे मेन फोकस एविडेंस कलेक्शन कर रहा है, जो हमने काफी सारी एविडेंस इन एक्यूज के गिरफ्तार की है, 20 आदमियों का हम चलान, इसमें 19 आदमियों को चलान चार्जशीट वो कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं, तो ये 4-5 हैं, इनकी चार्जशीट बाकी बचती है वो भी। सर, अभी तक जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे कुछ धन की भी इस प्रकार से रिकवरी हुई है कुछ? नहीं, इनकी प्रॉपर्टी की डिटेल ली जा रही है, बैंक अकाउंट्स लिए जा रहे हैं, उनको सीज करवाया जा रहा है, जो भी कंसर्न्ड रेवेन्यू ऑफिसर हैं, तहसीलदार, एसटीएम, जिस भी स्टेट के जिस भी जगह के, उन सब से इनकी प्रॉपर्टी के, बैंकिंग के और जो भी इनके इन्होंने ले रखी है उसको सीज करवाने का और उसको वो खातों की डिटेल लेने का और फिर प्रॉपर्टी अटैच करवाने का वो काम हम साथ। सर, जिस प्रकार से पूरे देश भर में इनका नेटवर्क था, तो अभी कितने लोगों के और जुड़े होने की उम्मीद जताई जा रही है? अभी हमारे फाइल में करीब करीब जो गैंग लीडर्स हैं वो, या जो मेंबर एक्टिव हैं इस गिरोह के सदस्य, अभी 70 के आसपास बाकी बचते हैं, जो मेन एक्टिव मेंबर्स हैं जो इस लेवल पे कर रहे हैं काम। और उसके बाद काफी सारे जो बेनिफिशरीज हैं जिनको इन्होंने नौकरी लगवाया है, उनको जब ये सारी चीजें एविडेंस या हर चीज हमारे पास फाइल पे अभी लाने लग रहे हैं, जो एग्जाम एजेंसी है, टेस्टिंग एजेंसी है, उससे डाटा लेने लग रहे हैं, उसकी फोरेंसिक एनालिसिस वगैरह चल रही हैं, तो उसके बाद जो बेनिफिशियरी कैंडिडेट हैं उनको
गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला है? एक हमारे पास पेपर लीक केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, FIR नंबर 298 पानीपत का ये मुकदमा दर्ज है, और इसमें करीब करीब जो इस ये गैंग है इसमें हम 25 आदमियों को अरेस्ट अब तक कर चुके हैं। कुछ गैंग के जो अलग अलग हर स्टेप पे जो काम करते थे, कोई सॉल्वर टीम थी, कोई हैकर टीम थी, कोई गैंग मेंबर्स थे, कोई मीडिएटर थे, दलाल थे, या कुछ जो कैंडिडेट थे, उन सब को स्टेप बाय स्टेप हमने अरेस्ट किया है सभी को, और उसमें काफ़ी सारे बच्चों के नाम और गैंग लीडर्स के नाम आए हुए थे। उसी सीरीज में हमने राज सिंह अलियास राज तेवतिया, ये पलवल का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। इस पर हमने एसटीएफ की तरफ से ही 1,00,000 रुपए का हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर इनाम रख रखा था, जो ये इस गैंग का सबसे मुख्य आरोपी है। ये बहुत तगड़ा हैकर है और ये हैकिंग जो करवाता है, ये हैकिंग रशिया से करवाता है। ये पूरे के पूरे जो कंपनी एग्जाम लेने आती है उसका एक सर्वर होता है, ये उस सर्वर को ही हैक कर लेता था। तो वो सर्वर हैक करने से पूरी की पूरी लैब इसके कब्जे में आ जाती थी। फिर ये जिसका चाहे उस लैब में उसका रिमोट एक्सेस करके बाहर से ही पेपर सोल्व करवा सकते थे। तो इस टाइप से इसका एक बहुत अलग तरीका। करीब करीब 22 के आसपास लैब हैं जो इन्होंने हैक की हैं, और वो अपनी 3-4 लैब सोनीपत में है, पानीपत में है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, फरीदाबाद है, राजस्थान, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर है, 6-7 लैब दिल्ली में है इनकी, वामसी लैब है, जहांगीरपुरी है की लैब, देहरादून में है, महाराष्ट्र वर्धा में है, मोहाली पंजाब में है, तो हरिद्वार में है। इस तरीके से अलग अलग जगह, ये ऑल ओवर इंडिया जो सेंटर के एग्जाम होते हैं, बड़े रेलवे के, बैंकिंग के, और कम्पिटिटिव एग्जाम जो हर तरीके के, SSC के बहुत सारे एग्जाम्स जो भी होते हैं ऑनलाइन, आजकल जो भी एग्जाम हो रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हैकिंग कर देते हैं। सर, लैबों में कितने बच्चे नौकरी लग चुके थे इस तरह से सेटिंग कर? करीब करीब इनको याद नहीं है। जैसे ये रास्ते होती है का मेन काम हैकिंग का होता था, हैकिंग करके फर्दर ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो गैंग मेंबर्स हैं उनको दे देता था, जो कैंडिडेट्स का डाटा है वो उनके पास है। इसका ये काम कितने कॉन्ट्रैक्टर है, ये माने कि हजारों के करीब युवा नौकरी लगवाई होगी ज्यादा। इसके साथ कितने कॉन्ट्रैक्टर जुड़े होंगे इस प्रकार से? इसके करीब करीब 40-50 के बीच में कॉन्ट्रैक्टर हैं जो जिनकी जो लैबों में पार्टनर हैं वो इनसे जुड़े हैं। सर, सोनीपत की मुख्य लैब कौन सी है जो इसके संपर्क में थी? रायत बारा लैब है, अपने गोहाना में है, मुरथड़ लैब है, DIMT है, एक BIT लैब है सोनीपत की, ये मेन सी लैब है। सर बात करें मोहाली में कि किस रेट पे ये लैब खरीदा था, अब तक जो सबसे महंगी लैब कौन सी बताई गई है? मोहाली की काफी बड़ी लैब है जिसमें ये रोबिन का पार्टनर है, रोबिन इसका पार्टनर है, और उस लैब में उसका करीब 7,00,000 रुपए पर मंथ का किराया था। और एक दूसरा आरोपी इसमें पकड़ा है जो गैंग मेंबर्स में से ही है, जो जिसकी लैब है, पार्टनरशिप है लैबों में, कई सारी लैबों में कई सारे बच्चे लगवा रखे हैं, बिजली बोर्ड में वो कार्यरत है, तो सचिन भिवानी का रहने वाला है, एक उसको गिरफ्तार हमने इस मुकदमे में किया है। राज सिंह तेवतिया 7 दिन के पुलिस रिमांड पर है और सचिन 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। राज सिंह तेवतिया, उसके संपर्क कैसे बने रशिया में? इसकी एक ट्रेवल की एजेंसी थी, तो ये ट्रेवल की एजेंसी में ये जब गोवा घूमने गए हुए थे तो एक लड़की थी नतानिया रशिया नाम की, मतलब रशिया से थी, उससे इसके संपर्क हो गए, इसकी मित्रता हो गई, तो वो फिर जब नेक्स्ट टाइम आई तो उसके साथ कुछ और भी ट्रैवल एजेंसी थी, तो उसके कुछ फ्रेंड भी आए, तो फिर इनकी आपस में बातचीत होगी, और ये ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम्स का अपने यहाँ चलता था, तो उन्होंने कहा भाई हम किसी भी कंप्यूटर को, मोबाइल को, लैपटॉप को हैक कर देंगे कभी भी जरूरत हो, तो वहां से इनका वो मेल मिलाप स्टार्ट हो गया था इस टाइप से।
और इसने फिर बात करके ये इन्होंने लैब वगैरह सेटल कर ली अपनी और रशिया से ये लैबों को हैक करवाने लगे। कितने पैसे में कोई बातचीत हुई रशिया में जो एक संपर्क बना? एक लैब को हैक करवाने के लिए 20 लाख रुपए देते थे रशिया में जो देता था। और ये फर्दर अपनी जो इसकी जो 12-13 लैब है खुद की है उनको तो हैक करता ही करता था, उसके अलावा भी ये क्या करता था जो दूसरे गैंग मेंबर्स हैं, दूसरे साथी हैं, जैसे और कोई भी अलग अलग लोगों ने लैब करवा रखी है तो उनको भी हैक करके दे देता था, उसके हैकिंग के पैसे रशिया वालों को दे देता और उसमें से कमीशन इसका ये अपना। मैं डॉक्टर गगन कंसल, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, ट्यूलिप हॉस्पिटल। आज हम इस माध्यम से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मोस्ट कॉमन सर्जरी जो आज के दिनों में परफॉर्म की जाती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा जो जॉइंट रिप्लेस किया जाता है वो नी है, घुटना है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में कहा जाता है कि हड्डी को काटा और जॉइंट जोड़ को बदला गया। नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली होता क्या है, हम जो हड्डी जोड़ में 3 हड्डियां जोड़ बनाती हैं, फीमर, टिबिया और पटेला। फीमर का जो लास्ट पार्ट है, जो पार्ट खराब हो जाता है उसको काट के स्मूथ कर देते हैं, दोनों हड्डियों के पार्ट को काट के स्मूथ कर देते हैं, उस पर एक स्पेशल टाइप की कैप लगती है। 2001 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान लगातार जारी। रजिस्ट्रेशन एवं एडमिशन शुरू, नर्सरी से 12वीं तक, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सहित सभी लैब सुविधाएं उपलब्ध, फुली एसी रूम एंड सीसीटीवी फैसिलिटी, प्री प्राइमरी तक के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था। एपी गर्ल पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित कर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, ताकि भविष्य में वह ऊंचाइयां छू सके और अपनी व अपने पेरेंट्स के सपने। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।